24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। इन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं, और जिन कारखाने के लगने से कितनों को नौकरी, कितनों को रोजगार मिला ये तो सरकार बताए। इसी जिले में समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया, और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। किसी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, और 7 साल होने वाले हैं सरकार के, अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, जो पुलिस को व्यवस्था दी थी वो चौपट कर दी। केवल झूठे मुकदमे लगाना, अन्याय करना, विपक्ष की आवाज को दबाना, लेकिन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी।